वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम कोल इंडिया स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो कोल इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते फ्राइडे ग्रीन 223 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 1.85% की गिरावट देखने को मिली थी 23 सितंबर के दिन। तो कोल इंडिया के इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मार्केट कैप जो है 1,37,000 करोड़ की है, पी रेशो जो है 5.97 का है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है, बुक वैल्यू 70 रुपीज़ का है, डिविडेंड जो है 7.63% का है, आरओसी जो है 54.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.6% का है, फेस वैल्यू ₹10 का है। सेल्स की बात आती है तो 1,19,000 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं, प्रॉफिट की बात आती है तो 23,000 करोड़ का प्रॉफिट भी हो चुका है, ईपीएस ₹37 का है और कंपनी के ऊपर लोन जो है 3,500 करोड़ का है। पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान डालेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ें वो पहले चेक करेंगे, जैसे कि कंपनी का ने अपना जो डेब्ट है वो कम किया, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है क्योंकि प्रॉफिट अच्छा है, स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों से ट्रैक पे है, अच्छा है, कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया है। डेब्टर्स डे जो है 57 डेज से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 57 डेज से यहाँ पे 37 डेज पे आ चुके हैं जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 सालों में पोर सेल्स ग्रोथ दिया है, कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटी जो है 1,00,000 करोड़ के ऊपर है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे पिछले 3 सालों में नेगेटिव ही है, मीन्स यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 3 सालों से माइनस हो चुकी है 4% से ज़्यादा। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोल इंडिया के लिए।